वो आज अमेठी के सम्मुख देश के प्रधान सेवक के रूप में विराजमान हैं। उनके श्री चरणों में कृतज्ञ अमेठी के एक एक नागरिक की ओर से सर्वप्रथम उनके आगमन पर मैं वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। हिंदुस्तान का आज एक सच ये भी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के चलते अभिवादन की श्रृंखला में अभिनंदन को तो जोड़ा ही जाता है, लेकिन आज एक नए भारत की कल्पना को लेकर आधुनिक भारत के पराक्रम को अब अभिनंदन शब्द परिभाषित भी करता है। इस मंच पर विराजमान है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अमेठी लोकसभा क्षेत्र के साथ हर पल, हर क्षण, हर विषय पर पूर्ण न्याय किया। ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को इस मंच से अमेठी के एक एक भाई, एक एक बहन का प्रणाम भेजती हूं। आज इस मंच पर विराजमान है एक ऐसी महिला जिन्होंने गत एक वर्ष में अमेठी के सांसद के मुख से अपमान भरे कई शब्द सुने, फिर भी मातृत्व की भावना लेकर आज स्वयं रक्षा मंत्री पहली बार अमेठी पधारी हैं, उनको भी अमेठी की ओर से विशेष स्वागत, विशेष अभिनंदन। मंच पर आसीन सम्माननीय मोहसिन भाई, हमारे सम्मानित विधायक गरिमा जी, मैंकेश्वर जी, सुरेश जी, दल बहादुर कोरी जी, आज अमेठी के एक एक गांव, एक एक मजरे से आए नागरिक उत्साह भरी निगाह से देख रहे हैं देश के प्रधान सेवक को। आज जब प्रधान सेवक के सम्मुख प्रणाम करती हूं तो मन में इस बात का दुख भी है कि जिस व्यक्ति को अमेठी ने चुनकर देश की संसद में भेजा, उसने अमेठी के विकास के लिए संसद में एक शब्द पिछले 5 सालों में नहीं बोला। अगर अमेठी के उस सांसद के मुंह से कुछ निकला तो देश के प्रधान सेवक के लिए सिर्फ अपशब्द निकला। देश भर में लोकतंत्र के नाम पर प्रपंच करने वाले इस व्यक्ति को मैं पूछना चाहती हूं कि साल 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था, तब लोकतंत्र आपके इस लोकसभा की पूरी इकाई में एक गांव में दम तोड़ रही थी। पिपरी गांव ने सार्वजनिक किए घोषणा की कि 60 साल से हम नामदारों के पैरों तले कुचले जा रहे हैं, 60 साल तक हमारी जमीनें कटान में बहती जा रही हैं, लेकिन नामदारों के पास हमारे लिए वक्त नहीं। और पिपरी गांव ने लोकतंत्र के उत्सव का बहिष्कार किया था। अमेठी के सांसद के कान पर जू तक नहीं रेंगी। 25,000 का कस्बा त्राही त्राही करता रहा, लेकिन राहुल जी के पास उनके लिए वक्त नहीं था। हारे फिर भी हम भाजपा के कार्यकर्ता उस गांव में पहुंचे और वचन दिया हमने कि जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक बार फिर लोकतंत्र में आपके विश्वास को हम प्रतिस्थापित करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के श्री चरणों में इस बात को कहना चाहती हूं
कि आपकी विजय के बाद भाजपा के कार्यकर्ता लखनऊ के चक्कर काटते रहे, तब की प्रदेश की सरकार से हम कहते रहे कि राजनीतिक मंशा के साथ नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण की दृष्टि से कम दया करें पिपरी के निवासियों पर। लेकिन लखनऊ की गलियारों में सत्ता की कुर्सी पर बैठे जो लोग थे, उन्हें पिपरी के निवासियों की चिंता नहीं थी। ये तो सौभाग्य है प्रभु का कि एक कमल देश में संसद में खिला, एक उत्तर प्रदेश में खिला, और योगी जी के नेतृत्व में 60 साल के बाद पिपरी गांव को एक बांध नसीब हुआ। आज स्वागत की श्रृंखला में मैं उन नागरिकों को जोड़ना चाहती हूं जिनके मन में लोकतंत्र के प्रति विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने प्रतिस्थापित किया। प्रधानमंत्री जी, आज इस विशाल जनसभा में एक ऐसी मां बैठी है जिनका नाम शारदा देवी है, जिनके विदेश में सुपुत्र का देहांत हुआ। उस मां की गुहार अमेठी के सांसद ने नहीं सुनी, उस मां ने स्वयं इतना कहा कि मेरे बेटे ने परदेश में दम तोड़ दिया है, कोई उसका शव घर ले आए। सांसद तक ये बात ना पहुंची, और अगर पहुंची भी तो सांसद ने उस मां उस परिवार की मदद करने के लिए एक कदम नहीं उठाया। आपके आदेश अनुसार विदेश मंत्रालय जब हम पहुंचे, हमने उस मां की पीड़ा को बतलाया तो 72 घंटे में उस मां ने, शोकाकुल परिवार ने अपने मृत बेटे का शव पाया। आज वो मां इस सभा में बैठी है, आशीर्वाद देने आई है कि सुख की घड़ी में तो सब साथ होते हैं, दुख की घड़ी में आप और आपकी सरकार साथ थी। आज वो मां अपना आशीर्वाद लेकर आपका स्वागत करने आई है। अमेठी का दुर्भाग्य कि एक ऐसे सांसद हैं 15 साल से जिनके घर में घी के दिए जलते हैं, लेकिन अमेठी का बच्चा बच्चा जानता है कि जैसे ही भीषण गर्मी आती है तो गांव में घर के घर भीषण अग्नि में तबाह हो जाते हैं। इन 5 सालों में मैंने स्वयं लगभग 500 घरों को झुलसते देखा। जब भी किसी घर में आग लगती तो भाजपा का कार्यकर्ता मदद के लिए दौड़ता। आज प्रधानमंत्री जी, उन 500 परिवारों के नागरिक, सगे संबंधी इस मैदान में आए हैं कि जिनके घर में इनकी वजह से घी का दिया जलता है, उन्होंने तो शरण नहीं दी, लेकिन जब गरीब का ध्वस्त हुआ घर तो भाजपा का कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहा। आज स्वागत करता है अमेठी का वो नागरिक जिसने आयुष्मान भारत के माध्यम से 1,25,000 नागरिकों ने सहायता पाई। आज स्वागत करते हैं अमेठी के वो परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 25,000 मकान बना पा रहे हैं। आज स्वागत करती है वो महिला प्रधानमंत्री जी जिसे नामदारों के संसदीय क्षेत्र में खुले में शौच का अपमान सहना पड़ता था। आज 2,11,000 से ज्यादा ऐसी माताएं बहनें जिनको सम्मान दिलवाया आपने, इज्जत घर दिलवाया, वो अपना आशीर्वाद लेकर आई हैं। मैं जानती हूं कि हम सब राह देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे। अपनी वाणी को विराम देने से पहले प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहते हैं, आप 2014 में जब आए थे आपने
ऐसे ही एक मंच से, इसी स्थल से कहा था, द्वेष की भावना से नहीं, विकास के संकल्प के साथ मैं अमेठी आया हूं। और आज एक संकल्पित अमेठी आपसे कहती है कि 2014 से लेकर 2019 की यात्रा ने यह सुनिश्चित किया है कि अमेठी अब कहती है कि दिल्ली में फिर एक बार मोदी सरकार। ये जानते हुए कि यह सरकार मात्र सत्ताधारियों की नहीं बल्कि सेवकों की है, ये जानते हुए कि यह सरकार नामदार की नहीं कामदार की है, आज अमेठी के एक एक गरीब, एक एक कामदार की ओर से देश के प्रमुख कामदार का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।